मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, अभी ऑस्ट्रेलिया में 9:30 बज रहे हैं। तो आज मैं अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रही हूँ। बहुत दिनों बाद आज मैं सिडनी सिटी में आई हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ कुछ शेयर करूँ और आपको दिखाऊँ। और ये देखो, मैं सिडनी के पिट स्ट्रीट में हूँ, जो कि बहुत ही फेमस जगह है। ये सिडनी की मेन जगह है और यहाँ पे सारे टूरिस्ट आते हैं। इस स्ट्रीट को आप मिस नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये यहाँ की सारी सबसे ज़्यादा फेमस जगह है। ये यहाँ की मायर्स और नीचे फूड कोर्ट है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। और ये देखो, यहाँ पे आपको सारी ब्रांडेड शॉप्स मिलेंगे। आप देखो, वहाँ पेंडोरा है, वेस्टफील्ड मॉल यहाँ बोलते हैं आपको। और ये देखो, यहाँ की लंबी लंबी बिल्डिंग्स, यहाँ के होटल। और ये देखो आप, सिटी बहुत ही बिजी लाइफ है, बहुत ही ज़्यादा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने लाइफ के ऑलमोस्ट 7 साल सिडनी सीबीडी, मतलब सिटी में गुजारी है, क्योंकि मैं यहाँ जॉब करती थी। अब मैंने जॉब चेंज कर ली है, तो मैं सिटी से थोड़ी दूर लोकेटेड हूँ। और आज मुझे सिटी आना पड़ा, और बस मैंने सोचा कि आज एक व्लॉग बनाऊँ आपके लिए, और मैं आपके साथ शेयर करूं कि सिटी यहाँ कैसी दिखती है। ये देखो मैका, जो कि बहुत ही फेमस कॉस्मेटिक ब्रांड है। यहाँ पे आपको सारे कॉस्मेटिक्स मिल जाएंगे। और ये देखो, सिडनी की बहुत ही खूबसूरत हिस्टोरिकल बिल्डिंग। और आप देखो यहाँ, मैं बस आपको आगे दिखाती रहूँगी। यहाँ रोड आप ये देखो, और ये देखो इस स्ट्रीट पे मैंने अपनी 7 इयर्स गुजारी है। और ये कैफे है जहाँ से मैं हमेशा कॉफ़ी लेके जाती थी। और ये देखो, ये मेरी रही कंपनी सिटी के बीचों बीच। यहाँ मैं हर दिन आती थी। और यहाँ पे एक कन्वीनियंट शॉप है, आज मैं, और यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। और आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाती हूँ, कोविड की वजह से इन्होंने स्ट्रीट क्रॉसिंग जो सिग्नल होती है, बजर होती है, जो आपको दबानी होती है, प्रेस करनी होती है, उन्होंने इसे ऑटोमेटिक बना दिया है, तो आप इसे टच नहीं कर सकते हो, जो कि कोविड सेफ है। और ये देखो, मैं यहाँ पे डार्लिंग हार्बर की तरफ जा रही हूँ। आज मैं आपको डार्लिंग हार्बर दिखाती हूँ, क्योंकि मैं जिस नए कंपनी में, ये मेरी पुरानी कंपनी, कितनी बड़ी बिल्डिंग है। तो ये है डार्लिंग हार्बर सिडनी सिटी की। और यहाँ मैं हमेशा लंच टाइम में वॉक करने जाती थी, जब भी मैं सिटी में काम करती थी। और चलो मैं आपको दिखाती हूँ। बस मैं आगे की तरफ जा रही हूँ। और आज मैं यहाँ क्यों आई हूँ, क्योंकि मैंने जो नई कंपनी ज्वाइन की है, उसकी हेड ऑफिस सीबीडी में है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। और आज मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। और ये देखो, कोविड की वजह से लोग बाहर भी एडवर्टाइज कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लोग, मैक्सिमम लोग आजकल घर से काम करते हैं, और ज़्यादा लोग होते नहीं हैं, लोकल
कैफ़े को सपोर्ट करने के लिए, इसलिए इन्होंने अलग से एडवर्टाइजमेंट डाली है बाहर। और ये देखो, ये है ऑस्ट्रेलिया की डार्लिंग हार्बर। ये देखो लंबी लंबी बिल्डिंग, ये मेरी कंपनी। और बस मैं आपको क्लोज लुक दिखाऊंगी। और ये देखो टनल, जो कि आपको सिटी के दूसरी साइड ले जाती है। और ये देखो, अगर आपने कभी टीवी में देखा होगा तो ये जगह सिटी में काफ़ी फेमस है। और ये देखो, आज मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके। और आप ब्रिज के ऊपर से ये व्यू देखो, कितनी खूबसूरत है। ये देखो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, आपको ऑस्ट्रेलिया सिडनी सिटी कैसी लगी। मैंने एक पार्ट दिखाया है, सिडनी बहुत बड़ी सिटी है और बहुत ही अच्छी लाइफ है यहाँ। यहाँ पे सारी बोट्स लगी हुई हैं, कितनी खूबसूरत लग रही है देखो। और ये देखो ब्रिज। और यहाँ पे आपको इस साइड की क्लोज़अप लुक दिखाती हूँ, जो कि आपको यहाँ पे आई थिंक ऐश्वर्या राय की और सचिन तेंदुलकर की मैडम जो म्यूजियम होती है जहाँ पे स्टार्स के और बहुत बड़े लोगों की पिक्चर्स लगी होती है। और ये इतनी खूबसूरत है, मैं इस लाइफ को बहुत मिस करती हूँ। मैं ऑफकोर्स यहाँ आती हूँ बट इतनी रेगुलर नहीं आती हूँ। और ये देखो, और ये देखो पानी की क्लोज़अप लुक। ये सारे पानी समुंदर में जाके मिल जाते हैं। और आप यहाँ पे ऑफ कोर्स बोट राइडिंग भी कर सकते हो। ये देखो कितनी बड़ी शिप लगी है यहाँ पे। और आपके आपको एक इस ब्रिज के बारे में बताऊँ तो ये ब्रिज सेपरेट भी हो जाती है और इन्हें जोड़ा भी जा सकता है। मैं इसके बारे में जानती नहीं थी बट एक दिन मैं सिटी में ऐसे ही घूम रही थी और मैंने देखा, अरे ये क्या है, ये ब्रिज अलग क्यों हो रही है। और मैं थोड़ी सरप्राइज हो गई बट बहुत अच्छी लगी कि ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजीज़ होते हैं जहाँ ब्रिज को ऑफ कोर्स अलग कर सकते हो और फिर से उसे ज्वाइन कर सकते हो। और ये देखो सिडनी की आइबिस होटल, जहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।